नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए वो जिलाधिकारी ने कर दिखाया। बरसों से नहीं ली किसी ने भी सुध। डीएम ने फरुखाबाद नगर पालिका के सीमा विस्तार का सप्ताह भीतर प्रस्ताव शासन भेजने का दिया हुक्म। टाउन हॉल स्थित पालिका कार्यालय पहुंचे जिलाधिकारी ने पालिका क्षेत्र में सीमा विस्तार के तहत 44 गांवों को कराया सम्मिलित। 31 दिसंबर तक 14वें वित्त की धनराशि खर्च करने का निर्देश। टाउन हॉल की जर्जर बिल्डिंग का निर्माण शुरू कराने का हुक्म। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज। राजनीतिक अनदेखी और चुप्पी के चलते विकास की पुष्टि से बेहद पिछड़े फर्रुखाबाद को यू स्तर पर विकसित जनपद और यहाँ के पौराणिक दर्शन को विश्व के मानचित्र पर लाने में जुटे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने आज एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेकर नगर को एक नायाब तोहफा दिया है। बरसों से लंबित महानगर पालिका की कार्रवाई सप्ताह भीतर पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेजने के हुक्म के साथ उन्होंने आज जनपद की शान टाउन हॉल की जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग के निर्माण को भी हरी झंडी देते हुए शीघ्र शुरू करने का निर्देश पारित किया। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद अब जल्द ही महानगर पालिका में तब्दील होगी। अब यहां चेयरमैन नहीं बल्कि महापौर चुने जाएंगे। नगरवासियों के इस पुराने सपने को डीएम मानवेंद्र सिंह ने अपने एक आदेश से एक झटके में ही पूरा करने की हरी झंडी दे दी। ईओ नगर पालिका रविंद्र कुमार को निर्देश दिए हैं कि पालिका क्षेत्र के सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर स्वयं रुचि लेकर शासन को भेजा जाए। उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ इस प्रस्ताव को पास कराएंगे। उन्होंने सीमा विस्तार में 44 गांवों को शामिल कराया है। इसके अलावा डीएम श्री सिंह ने नगर पालिका की जर्जर बिल्डिंग का निस्तारण कराकर शीघ्र निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान न्यूट्रिशन के करीब 250 प्रकरण लंबित देख नाराजगी जताई और कहा कि एक माह के अंदर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने 14वें वित्त की धनराशि 31 दिसंबर तक खर्च करने के निर्देश दिए। कहा कि शासन की मंशा अनुसार पुराने रिकॉर्ड की बिल्डिंग शीघ्र कराई जाए। निरीक्षण के दौरान विजय राजन सक्सेना, सुनीता कुशवा, टीसी पंकज तिवारी, वकार कासम अनुचित मिले, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई, कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज़। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।